नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, 4 नवंबर बुधवार को आ रही है करवा चौथ। ठीक है, मैं आपको एक के बाद एक वो उपाय बताने के लिए जा रही हूँ, जिन उपायों को करके आप अपनी लाइफ को सुख समृद्धि और सौभाग्य से भर देंगे। बता दूं दोस्तों, चंद्रोदय का समय 8:16 का है, मतलब 8:16 के बाद चंद्रोदय होगा। उसके बाद आप चांद की पूजा कर सकते हैं, लेकिन घर में जो आप कथा वगैरह करती हैं वो दोस्तों आपको करना है 5:29 से 6:48 के बीच। मतलब कि यही समय है 5:29 से 6:48। आज का उपाय भी दोस्तों, जो भी महिलाएं हैं, जो भी माताएं हैं, बहनें हैं, इसी पूजा में कर लेना है आपको अपना उपाय। रिजल्ट इतना बेहतरीन आएगा कि आप बिलीव नहीं कर पाएंगे कि क्या ऐसा भी होता है। लेकिन होता है, सब कुछ होता है, आपको पता होना चाहिए कि हाँ ऐसा होता है। ठीक है, तो जो नए व्यूअर्स आ रहे हैं मेरे चैनल पर, मेरी वीडियो की पहली बार विजिट ले रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। यदि आपको जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक भी करें और शेयर भी करें। ठीक है, चलिए जान लेते हैं हम आज का उपाय क्या करना है आपको। बहुत ध्यान से आपको सुनना है इस उपाय को, उसके बाद ही आपको इसको करना है। ठीक है, बहुत ही ध्यान से सुनना है, तभी आप इसको करेंगे। सुनने में, समझने में कहीं भी कोई भी आप गलती ना करें। ठीक है, आप जो पूजा करती हैं, जो भी आप पूजा कर रही हैं नीचे बैठ करके अपने घर में चंद्रोदय से पहले, उस पूजा में आपको दो बाती लेनी है। बाती कितनी बनानी है? दो। एक बाती नहीं बनानी है, दो बाती बनानी है। और आपकी जो इच्छा है आपको एक पेपर में लिखना है। पेपर ऐसा लेना है जिसमें आप एक लीटर, मतलब बिल्कुल पतला पेपर होना चाहिए, जो आपकी बाती के साथ जब वो लिपटता है तो बिल्कुल भी दिया जलने में या बाती जलने में कोई तकलीफ पैदा ना करे। आपको बिल्कुल पतला सा लंबा सा एक पेपर ले लेना है, कागज लेना है, वाइट या रेड कलर का ले ले, जो भी आपकी इच्छा है। जो भी आपके घर में प्रॉब्लम है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है आपको उस कागज पर लिख देनी है। ठीक है, क्या करें? बहुत ही दोस्तों, क्योंकि ये उपाय आपने किया आपको रिजल्ट बहुत 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 जल्दी देखने के लिए मिलेगा। बहुत ही विश्वास से, बहुत ही प्रेम से आप इसको करना, रिजल्ट अफलातून आएगा। वाइट कलर के पेपर में आपको अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो लिख देनी है। एक पेपर में आपको अपनी प्रॉब्लम लिख देनी है और उसको एक बाती में बराबर उसको रैप कर ले। ऐसे रैप कर ले कि वो बाती से अलग दिखाई ही ना दे। थोड़ी मेहनत लगेगी, जरा सा उसमें घी लगा करके उसको बराबर उसमें रैप करें। ठीक है, दूसरी बाती में आपको अपनी इच्छा लिखनी, मतलब एक बाती में आपको अपनी प्रॉब्लम लिख देनी है और दूसरी बाती में आपको अपनी इच्छा लिखनी है। दूसरे पेपर में आपको अपनी इच्छा लिखनी है कि मुझे ये चीज़ें मिले। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, एक कागज पर आपको अपनी इच्छाएं लिखनी है, जो इच्छा आप चाहती हैं कि मेरा ये काम हो। बहुत ही छोटे छोटे अक्षरों में आपको इसको लिखना है। एक में आपको प्रॉब्लम लिखनी है कि मेरी ये प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम एक बाती में जलकर पूरी होगी। और दूसरी बाती में आपने जो इच्छाएं लिखी है, इच्छा वाला कागड़ है, उसको रैप करना है और बराबर से ऐसे ही रैप करना है कि कागड़ अलग ना हो। ठीक है, फिर से बता दूं, यदि शक है दोस्तों एक कागड़ व्हाइट कलर का ले और दूसरा यदि रेड कलर का लेते हैं तो बेस्ट होगा, नहीं है कोई बात नहीं है, दोनों व्हाइट भी ले सकते हैं। मेन चीज इतनी है कि आपको अपनी प्रॉब्लम लिखनी है एक पेपर पर, दूसरे पेपर पर आपको जो चाहिए वो लिखना है। समझ रहे हैं? जब ये दोनों बातियों को आप बना करके दिए में लगा देंगे, दिया जलाएंगे, दिए की लौ बिल्कुल एक हो ऐसी आप जला दें। ठीक है, पूजा पूरी कर दें, इन बातियों को जलने दें।
बातियों को ऐसे जलाना दोस्तों कि बाती मतलब पूरी जल जाए, पूरी जल जाए, घी जो आपका है वो कंप्लीट हो जाए और बाती उसमें पड़ी ना रह जाए। यदि पड़ी भी रह गई, थोड़ी बहुत बच भी गई, तो उसको बाद में आप जला देना, लेकिन जला देना है, बातियों को आपको जला देना है। यदि आपको ऐसा लगता है कि जो दिया आप पूजा में माता रानी के सामने रख रहे हैं उसमें ये उपाय आपसे नहीं बन पड़ रहा है, तो वो दिया आप अलग से जला दें और ये दिया आप अलग से जला दें। थोड़ा सा घी डालें, दो बाती बनाएं, दोनों बाती में आपको एक एक कागज़ रैप करना है। एक कागज़ में आपको अपनी प्रॉब्लम लिखनी है जो जलकर खाक होगी, दूसरी बाती में जो कागज़ आपको रैप करना है उस कागज़ के अंदर आपको वो मांगना है माता रानी से जो आप चाहते हैं। दोनों ही बाती को बराबर से लगा दें और उसको जला दें, पूरी बाती जल जाए, ऐसी कोशिश करें। बाती जलेगी, आपकी प्रॉब्लम जलकर खाक होगी। ये उपाय आप माता रानी के सामने कर रहे हैं, पूरे दिन आपने फास्ट रखा है, आपकी प्रॉब्लम, आपके परिवार की प्रॉब्लम, आपके वैवाहिक जीवन में जो भी प्रॉब्लम है, इकोनॉमिकल हो, कोई सामाजिक प्रॉब्लम हो, वैवाहिक जीवन की कोई प्रॉब्लम है, पारिवारिक प्रॉब्लम है, आप उसको लिख सकते हैं। और आपको क्या चाहिए वो भी आप लिख सकते हैं। पेपर आप दो पसंद करें, काफ़ी अच्छा रहेगा। पेपर दो पसंद करें, दोनों ही बाती में अलग अलग पेपर को रैप कर दें और उसको जला दें। रिजल्ट बहुत 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 अच्छा देखने के लिए मिलेगा, इसमें कोई शंका कुशंका नहीं है। ठीक है, करते रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। कोई प्रॉब्लम है जो आपकी समझ में ना आती हो तो लिख करके पूछे अवश्य। करते रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।